हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज है 5 जनवरी और आज के वीडियो में हम 5 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य बोर्ड ने शहरी क्षेत्र में निजी विद्यालय खोलने के लिए 3000 वर्ग मीटर जमीन होना जरूरी कर दिया। तो ऑप्शन यहां पे बी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड ने। अगला है, राज्य में अब मनरेगा के कामों में पारदर्शिता लाने के लिए किस ऐप से 100% हाजिरी लगाने की व्यवस्था की जा रही है। तो यूपी में जो है मनरेगा के लिए एक एप्लीकेशन विकसित किया गया, कौन सा, NMMS। इस एप्लीकेशन से जो मनरेगा के कर्मी हैं उनकी क्या किया जाएगा, हाजिरी लगाई जाएगी। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की यानी जनवरी 2022 से अगस्त 2022 तक की आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी में। अगला है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में 90% से अधिक मतदान करने के लिए मिशन 929 यानी मिशन 929 शुरू किया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, त्रिपुरा में। अगला है, हाल ही में सुमित्रा सेन का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो जो सुमित्रा सेन है ये गायन से संबंधित हैं, याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला है, पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया, इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, नागपुर में। अगला है, आधुनिक भारत में पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले की जयंती कब मनाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, 3 जनवरी को। अगला है, वर्ष 2023 के पहले 6 महीनों के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, स्वीडन ने। अगला है, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई है और इस बार ये जो अवार्ड है वो कितने लोगों को दिया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, इस बार ये 27 लोगों को दिया जाएगा। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन से राज्य में जल्द ही शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों 3 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के जो CM हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने लखनऊ में UPSC की एक नई वेबसाइट का शुभारम्भ किया। नई वेबसाइट युवाओं के लिए उपयोगी होगी और इसके साथ ही शासन और आयोग में भी बेहतर समन्वय होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इस बात को कि UPSC की एक नई वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार शिक्षकों के समयबद्ध चयन के लिए बेहद गंभीर है और इसके लिए राज्य में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द किया जाएगा। यानी कि एक बात तो आपको यहाँ से ये याद रखनी है कि UPSC की एक नई वेबसाइट का भी शुभारंभ किया CM योगी आदित्यनाथ ने, इसके अलावा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का भी गठन जो है वो अति शीघ्र किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में एक ही आयोग के जरिए बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी कॉलेजों में शिक्षकों का चयन किया जाएगा। ये बात याद रखेंगे, जो गठन किया जाएगा जिस आयोग का, उसी के जरिए जो है बेसिक शिक्षक हों या माध्यमिक के शिक्षक हों या उच्च और तकनीकी कॉलेज, तो सभी प्रकार के जो शिक्षक हैं उनका चयन किया जाएगा। एकीकृत आयोग के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और इसके बाद अब नया आयोग ही TET की परीक्षा आयोजित कराएगा। दोस्तों हमारे यहाँ क्या है कि जो TET की परीक्षा होती है TET की, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसकी भी परीक्षा जो है अब कौन कराएगा, तो नया जो आयोग गठित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसके माध्यम से ही अब जो है TET की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। तो ये बातें आप यहाँ से याद रखेंगे कि यूपी सरकार जो है वो शिक्षकों के समयबद्ध, यानी कि क्या है कि भर्तियाँ काफ़ी लेट होती हैं, तो इसके लिए कि काम जो है वो जल्द से जल्द किया जा सके और जो जो भर्तियाँ हैं वो काफ़ी लंबे समय तक लंबित ना पड़ी रहें, इसीलिए
क्या है, एक आयोग का गठन किया जाएगा जिससे कि जो प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज हो सके। तो याद रखेंगे आप, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन यूपी में किया जाएगा। अगला है 3 जनवरी 2023 को कौन दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज का शुभारंभ करेंगे, जो कि 13 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक बांग्लादेश के माध्यम से यात्रा करेगी। तो ऑप्शन यहां पे ए करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये 13 जनवरी को, कब, 13 जनवरी 2023 को दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज का शुभारंभ करेंगे। ये जो नदी क्रूज होगी, क्योंकि ये दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज है, तो ये 13 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ये स्टार्ट होती है और असम के डिब्रूगढ़ तक बांग्लादेश के माध्यम से यात्रा करेगी। यानी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दुनिया की जो सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा है वो कहाँ से कहाँ तक के लिए है, तो याद रखेंगे आप वाराणसी से लेकर के असम के डिब्रूगढ़ तक। ठीक है, अभी इसका शुभारंभ नहीं हुआ है, 13 जनवरी 2023 यानी अभी इसी महीने में 13 जनवरी को इसका शुभारंभ किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। यह दुनिया में एकल नदी जहाज द्वारा सबसे बड़ी एकल नदी यात्रा होगी, क्रूज जिसे गंगा विलास क्रूज नाम दिया गया है, ये बात भी याद रखेंगे। 50 दिनों में गंगा, भागीरथी, हुगली, ब्रह्मपुत्र और वेस्ट कोस्ट नहर सहित 27 नदी प्रणालियों के साथ 4000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यानी देखिए क्या है कि जो सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा है ये वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगी, इस बात को याद रखेंगे। अब यहीं पर अगर किलोमीटर की हम बात करें कि कितने किलोमीटर की लंबी ये यात्रा होगी, तो 4000 किलोमीटर की ये लंबी होगी, इसको भी याद रखना है आपको, 4000 किलोमीटर लंबी ये क्या है, नदी क्रूज सेवा है। अब ये जो नदी क्रूज सेवा है ये कितनी नदियों को जो है ये पार करती है, तो यहाँ पर आपने देखा जो मेन नदियाँ हैं, गंगा है, भागीरथी है, हुगली है, ब्रह्मपुत्र है, वेस्ट कोस्ट नहर है, तो इन सबको अगर मिलाकर के देखा जाए तो 27 नदी प्रणालियों के साथ ये जो है तय करती है इस यात्रा को। ठीक है, और एक बात और याद रखेंगे, जो नदी क्रूज है, जो क्रूज है जिसे हम साधारण तौर पर कहें तो क्या कह सकते हैं, जो जहाज है, जो पानी वाला, उसको हम कह सकते हैं कि इसका नाम क्या है, तो गंगा विलास क्रूज इसको नाम दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, गंगा विलास क्रूज ये क्या है, तो ये पानी में चलेगा, इसको ही ये क्रूज है और इसे नाम दिया गया गंगा विलास क्रूज। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा जो है ये वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक जो है ये शुरू होगी और 13 जनवरी 2023 को इसका क्या किया जाएगा, शुभारंभ किया जाएगा। अगला है साड़ी महोत्सव विरासत, साड़ी महोत्सव है विरासत के नाम से, तो इसका दूसरा चरण भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का उत्सव 3 से 17 जनवरी 2023 से कहां पर शुरू होगा। तो ऑप्शन यहां पे बी करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली में। साड़ी महोत्सव विरासत जो है इसका दूसरा चरण भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का उत्सव 3 से 17 जनवरी 2023 से नई दिल्ली में शुरू होगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय इसका इस उत्सव का आयोजन कर रहा है। भारत के विभिन्न हिस्सों से 90 से अधिक प्रतिभागी जामदानी, एकत, पोचमपल्ली, ये क्या है, ये जो है साड़ियों का प्रकार है, जैसे नहीं होता है कि बनारसी साड़ी है इस तरीके से, तो बनारस ब्रोकेड है, तुसार सिल्क जिसे चंपा कहा जाता है, बालूचरी, भागलपुरी, रेशम, तंगेल, चंदेरी, ललितपुरी, पटोला, पैठानी आदि की हथकरघा साड़ियों जैसी विभिन्न प्रकार की साड़ियों का प्रदर्शन करेंगे। तो इस बात को आप यहाँ से याद रखेंगे कि जो साड़ी महोत्सव है विरासत के नाम से, इसका जो दूसरा चरण है ये 3 से 17 जनवरी 2023 के बीच शुरू हुआ और ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। इसमें भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का जो है प्रदर्शन किया जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। और कौन सा मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है, तो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय जो है इसका आयोजन कर रहा है इस उत्सव का, और उत्सव का नाम क्या है, तो विरासत इस उत्सव का नाम है। ठीक है, और यहाँ हमारी यूपी से कौन सी, किस प्रकार की साड़ी जो है वो इसमें शामिल होगी, तो यहाँ पर आपने देखा ललितपुरी, तो ये जो साड़ी है ये शामिल होगी यूपी से। इसके अलावा और यहाँ पर आपने देखा बनारस ब्रोकेड, ये भी जो है यूपी से शामिल है, तो ये जो साड़ियां हैं ये यूपी से शामिल इसमें होंगी। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, चीन। चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च करने वाला जो चाइना है, ये एशिया का पहला देश बन गया है। चीन में बनी इस ट्रेन की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह है बिना ईंधन भरे 600 किलोमीटर तक चल सकता है। ट्रेन के संचालन से डीजल कर्षण की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में प्रति वर्ष 10 टन की कमी आएगी। ये बात भी यहाँ से याद रखनी है। दोस्तों, अभी अगर हम बात करें जो चाइना है, ये एशिया का तो पहला देश बना है, लेकिन दुनिया का ये दूसरा देश बना है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च करने वाला। अब पहला देश कौन सा है? तो पहला देश जो है वो है कौन सा, जर्मनी। सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करने वाला जो जर्मनी है ये विश्व का पहला देश था। तो ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। दुनिया का पहला देश कौन सा है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करने वाला, तो वो है जर्मनी। फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम द्वारा विकसित जर्मन कोराडिया आई लिंट सीरियल ट्रेन बिना ईंधन भरे 1175 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे, बिना ईंधन यानी बिना डीजल पेट्रोल के ये जो ट्रेन है जो कि जर्मनी में बनी है वो कितनी किलोमीटर तक चली है, तो वो बिना ईंधन भरे 1175 किलोमीटर की इसने दूरी तय की है। ये तो बात जर्मनी से है, याद रखेंगे। और जो चीन में बनी है वो बिना ईंधन भरे यानी बिना डीजल पेट्रोल के, सिर्फ किससे, हाइड्रोजन से, ये 600 किलोमीटर तक चल सकती है। तो आपको यहाँ से दोनों बातें याद रखनी हैं। पहली बात तो ये याद रखेंगे कि दुनिया का पहला देश कौन सा है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च करने वाला, तो वो है जर्मनी। और दुनिया का दूसरा देश अभी बन गया है चाइना। और अगर कहा जाए एशिया का, तो आप याद रखेंगे तो एशिया में जो अभी है चीन ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो जर्मनी ही है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि एशिया में जो है किस देश ने अभी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया, तो वो चाइना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन बैटल फील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, शिवा चौहान। दोस्तों, जो कैप्टन शिवा चौहान हैं, ये सियाचिन बैटल फील्ड में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला ऑफिसर बन गई हैं। इंडियन आर्मी ने दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम बैटल फील्ड सियाचिन में पहली बार एक महिला आर्मी ऑफिसर की तैनाती की है। कैप्टन शिवा चौहान को इसके लिए सियाचिन बैटल स्कूल में एक महीने की हार्ड ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। कैप्टन शिवा चौहान राजस्थान की रहने वाली हैं। कैप्टन शिवा की पोस्टिंग सियाचिन बैटल फील्ड के कुमार पोस्ट पर की गई है, जो कि 15,632 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो दोस्तों, क्या है कि अभी तक जो सियाचिन बैटल फील्ड है, जो सियाचिन है, यहाँ पर किसी भी महिला ऑफिसर की तैनाती नहीं की गई है, लेकिन अभी पहली बार जो है सियाचिन में किसी महिला की तैनाती यहाँ पर की गई है। तो इस बात को याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट हो गया इसलिए क्योंकि सियाचिन बैटल फील्ड में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला ऑफिसर बन गई है शिवा चौहान। तो इनका नाम याद रखेंगे, ये पहली महिला अधिकारी हैं जो कि सियाचिन बैटल फील्ड में तैनात की गई हैं। दोस्तों, जो सियाचिन बैटल फील्ड है, यहाँ पर इनको कुमार पोस्ट पर जो है तैनात किया गया है, जो कि 15,632 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डी उमरान मलिक। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों, युवा जो तेज गेंदबाज हैं उमरान मलिक, ये जो है सबसे तेज फेंकने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उमरान मलिक ने श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में स्पीड रडार पर 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम पर था? तो जसप्रीत बुमराह के नाम पर ये रिकॉर्ड था, जिन्होंने 153.36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। IPL में वह सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से खेलते हैं। और जो उमरान मलिक हैं, इनका जन्म 22 नवंबर 1999 को जम्मू कश्मीर में हुआ था।
तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बात को यहां से याद रखना है आपको कि सबसे तेज गेंद फेंकने वाले भारतीय गेंदबाज कौन हो गए हैं, तो ये हैं उमरान मलिक। और इन्होंने कितनी की स्पीड से गेंद फेंकी है, तो 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन्होंने गेंद फेंकी। इससे पहले ये रिकॉर्ड बुमराह के नाम पर था, फिलहाल ये रिकॉर्ड टूटा है और उमरान मलिक ने नया रिकॉर्ड बनाया। अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश में। दोस्तों मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना कौन सी है, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना जो है ये शुरू की गई है, मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना ये भी कहा जा सकता है। तो इसका जो है आज यानी कि कल यानी कि 4 जनवरी को टीकमगढ़ जिले की बकपुरा पंचायत से शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चयनित लोगों को आवासीय भूमि के निशुल्क पट्टे वितरित किए। टीकमगढ़ जिले को 120 करोड़ रुपए के आवासीय प्लॉट दिए गए। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में इस योजना की शुरुआत हो गई है। तो याद रखेंगे आप, अगर पूछा जाए कि मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये कहाँ से संबंधित है, तो इसको याद रखेंगे मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया। और अगर ये पूछा जाए कि इस योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया, तो टीकमगढ़ जिले की बकपुरा पंचायत से इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ से संबंधित है, मध्य प्रदेश से। दोस्तों मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो आप याद रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि पहली बार बाल बजट, ठीक है, बाल बजट ये किस राज्य में पेश किया गया, तो आपको याद रखना है ये मध्य प्रदेश में पेश किया गया, इंडिया में पहली बार बाल बजट। ठीक है, यहाँ पर हम देख लिखते हैं पहली बार बाल बजट जो है ये कहाँ पर पेश हुआ, तो ये मध्य प्रदेश में पेश हुआ, ये याद रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है, कौन सा भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है, तो वो भी आपको याद रखनी है, भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है, तो ये कौन सी है, तो ये मध्य प्रदेश की है इंदौर। इंदौर जो है ये भारत की पहली वाटर प्लस सिटी है, ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे इंदौर। इसके अलावा एक क्वेश्चन आप और याद रखेंगे, कौन सा कि देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है, तो देश का हर घर जल प्रमाणित जो जिला है वो है बुरहानपुर। कौन सा है, बुरहानपुर जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, तो ये आप याद रखेंगे बुरहानपुर को। ठीक है, बुरहानपुर है मध्य प्रदेश का हर घर जल प्रमाणित वाला देश का पहला जिला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप 2-3 क्वेश्चन हैं याद रख सकते हैं और इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में देश का पहला संविधान पार्क किस राज्य में बनकर के तैयार हुआ, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान में। दोस्तों राजस्थान के जयपुर राजभवन में भारत का पहला संविधान पार्क बनकर के तैयार हुआ। इस संविधान पार्क को बनाने में करीब 9,66,00,000 रुपए लगे हैं। संविधान को बनाने में जिन सदस्यों का योगदान है उन सभी विभूतियों की प्रतिमाओं को यहाँ पे लगाया गया, यानी कि जब संविधान बनाया गया तो उसमें जितने भी लोग शामिल थे उन सभी की प्रतिमा इसमें लगाई गई है। संविधान पार्क का लोकार्पण किसने किया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका लोकार्पण किया। प्रोजेक्ट का डिजाइन देश के मशहूर आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया ने किया है, ये नाम भी याद रखेंगे कि इसका डिजाइन किसने किया, तो अनूप बरतरिया ने इसका डिजाइन किया है। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप कि देश का पहला संविधान पार्क जो है वो कहाँ पे बनाया गया, तो ये राजस्थान के जयपुर में बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे राजस्थान में बनाया गया है। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर संविधान को बनाने में जितने भी लोगों का योगदान रहा उन सभी की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई। कुछ प्रतिमा यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, तो ये जो आप एक प्रतिमा देख रहे हैं तो देख सकते हैं कि इस तरह की जो प्रतिमाएं हैं वो इस पार्क में मौजूद हैं, ताकि जो लोग हैं वो जागरूक हो सकें कि किन किन का योगदान रहा है हमारे देश के संविधान में। ठीक है, ये देख सकते हैं, इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, ये सारी जो प्रतिमाएं हैं वो आपको ये इस पार्क में मौजूद मिलेंगी।
अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की है? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1 जनवरी 2023 को 101 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का शुभारंभ किया है। सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक अपना पहला वेतन कोष में देंगे इस योजना के तहत। यानी ये जो शुरू की गई है मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष, तो इसके तहत क्या होगा, तो इसके तहत सभी जो मंत्री और कांग्रेस विधायक हैं वो अपना पहला वेतन इस कोष में देंगे। और 68 सदस्यीय हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के 40 विधायक हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को शपथ ली थी। ये आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ये हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करना, यही इसका उद्देश्य है मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का। ठीक है, तो याद रखेंगे। और इसके तहत क्या किया गया है, तो इसके तहत जो भी कांग्रेस के विधायक हैं हिमाचल प्रदेश के, वो अपना पहला वेतन इस कोष में देंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का। अगला है, किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब जीते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, मैग्नस कार्लसन ने। दोस्तों नॉर्वेजियन ग्रैंड मास्टर है मैग्नस कार्लसन, इन्होंने अल्माटी में वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप दोनों ही जीत करके एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने अपने करियर में तीसरी बार तीनों वैश्विक शतरंज चैंपियनशिप खिताब कौन कौन से, तो क्लासिकल, रैपिड और ब्लिट्ज पर कब्जा किया है। उनके अलावा किसी भी अन्य खिलाड़ी ने 2022 के समान वर्ष में रैपिड और ब्लिट्ज दोनों का खिताब नहीं जीता। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि नॉर्वे के हैं ये नॉर्वेजियन ग्रैंड मास्टर हैं मैग्नस कार्लसन, जिन्होंने अभी तीनों ही वैश्विक शतरंज चैंपियनशिप जीती हैं, क्लासिकल, रैपिड और ब्लिट्ज। ठीक है, तो याद रखेंगे मैग्नस कार्लसन का नाम। तो दोस्तों ये थे पाँच जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये कल की वीडियो का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस राज्य में बनाई जा रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, पश्चिम बंगाल। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में सुजॉय लाल थाउसेन को निम्न में से किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।